एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फ्रेंड्स आप सबको बताने वाली हूँ कि शनिवार के दिन शमी के पौधे की पूजा किस प्रकार की जाती है और मैं किस तरीके से अपने घर पर शमी के पौधे की पूजा करती हूँ। तो सबसे पहले हमें शनिवार के दिन प्रातःकाल उठना है, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ करके, और उसके बाद फिर हमें अपने घर की साफ़ सफाई करनी है। क्योंकि देखिए, किसी भी पूजा को करने से पहले सबसे पहले हमें अपने घर को साफ़ करना पड़ता है, अपने आप को स्वच्छ करना पड़ता है, हमें नहा धोकर उसके बाद फिर हम यहाँ पर पूजा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पूजा के लिए यहाँ पर सिंदूर ले लिया है, तिलक लगाने के लिए चंदन भी लेना है, और यहाँ पर हम दीपक जलाएंगे, और एक लोटा मैंने तांबे के लोटे में एक लोटा जल भरकर रख लिया है, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिलाया है। अगर गंगा जल ना हो तो आप ऐसे भी चढ़ा सकते हैं जल, और एक कपूर ले लिया है। तो यहाँ पे हमें धूप दीप अगरबत्ती वगैरह जैसे हम नॉर्मल अपने घर में पूजा करते हैं इसी प्रकार से करना है। और आपको जो दीपक में तेल डालना है, या तो सरसों का या फिर तिल का तेल होना चाहिए, तो ये हमें लेना होता है। और फूल हैं तो फूल भी चढ़ा सकते हैं आप। तो देखिए, आजकल भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हो गई है, तो इंसान इतने नियम से पूजा नहीं कर पाता है, लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि कम से कम हम शनिवार को तो शमी के पौधे की पूजा इस प्रकार करें। वरना आप रोज़ एक लोटा जल भी चढ़ाएंगे तो उतना भी बहुत होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने धूप बत्ती भी जो है जला दी है, और प्रसाद के लिए हमें शमी के पौधे के ऊपर थोड़ा सा तिल जो है चढ़ाना चाहिए, काले तिल जो होते हैं। लेकिन अगर नहीं है संभव, आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ पर गुड़ या कोई मेवा जैसे किशमिश वगैरह वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, अब यहाँ पर हम जो है जल चढ़ा रहे हैं, साथ में ही तुलसी का पौधा भी है, तो मैंने वहाँ उन पर भी जो है जल चढ़ा दिया है। तो जल तो मैं रोज़ाना चढ़ाती हूँ, लेकिन शनिवार के दिन शमी के पौधे की थोड़ा अलग तरीके से पूजा की जाती है। इससे शनिदेव काफ़ी प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि शनिवार के दिन शमी के पौधे की पूजा अवश्य करनी चाहिए, और हर घर में शमी का पौधा होना ज़रूरी होता है। अपने घर पर हमें शमी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। इससे बोला जाता है कि शनि के जो प्रकोप होता है, शनि की जो कष्ट होते हैं, उनसे मुक्ति मिलती है, और शनि देवता जो हैं वो प्रसन्न होते हैं। और साथ में हमें जब हम पूजा करते हैं तो हमें शनि मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए मन ही मन में, जैसे कि ओम शनि शनिश्चराय नमः। यह मंत्र का जाप कम से कम आपको 5 बार अवश्य करना चाहिए जिस टाइम आप शमी के पौधे की पूजा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें इनको तिलक वगैरह लगा करके धूप वगैरह जो है दिखानी चाहिए, आरती करनी चाहिए। तो इस प्रकार हम शमी के पौधे की पूजा करते हैं, और मैं इसी प्रकार हर शनिवार को जो है शमी के पौधे की पूजा करती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने मंदिर में मेरे जो घर के भगवान हैं उनकी पूजा करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं नीचे बैठ करके शनि चालीसा का पाठ करती हूँ, और साथ ही साथ शनि का जो शांति मंत्र है, जैसे कि नीला जन्म समाभासम रविपुत्रम यमा गजम छाया मातंड संभूतम नमो नमामि शनिश्चरम, इसको गा करके, मतलब इस आपने सुना ही होगा वैसे ये शांति मंत्र। तो हमें शनिवार को ये शांति मंत्र भी जरूर करना चाहिए। तो मैंने आप लोगों के साथ आज के वीडियो में शेयर किया है कि मैं शनिवार को कैसे शमी के पौधे की पूजा करती हूँ। तो आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।